हमारे पास ये एक छोटी सी गेम है, इसमें तीन खेल हैं, एक एक करके मैं आपको ये तीनों खेल दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने कुछ विंडोज बनाई हैं और ये मेरे हाथ में कुछ स्ट्रिप्स हैं जिन पर कि कोई ना कोई अंक लिखा हो। मान लीजिए सबसे पहला वाला हम खेल देखते हैं, ये है स्थानीय मान का अभ्यास। इसके लिए मान लीजिए मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि आप संख्या बनाएं 3105, तो वह बच्चा इन पर्चियों से जो अंक उसे यह संख्या बनाने के लिए चाहिए वो पर्चियाँ वो अपने पास हाथ में रखेगा। उसके बाद 3105 के लिए हजार वाले खाने में वह 3, सैकड़े वाले खाने में वह 1 और दहाई वाले खाने में वह 0 डालेगा और इकाई वाले स्थान पर वह 5 डाल देगा। इस प्रकार पर्चियों की मदद से वह यह संख्या बनाएगा 3105। इस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थियों को टीचर अलग अलग तरह के नंबर्स देकर उनका अभ्यास करवा सकता है या फिर टीचर अपने आप से एक संख्या बनाकर बच्चों से वह संख्या पढ़ने को भी कह सकता है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा खेल। दूसरे खेल में यह है बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। इसमें अध्यापक अपनी मर्जी से बच्चों को कोई भी 3 या 4 या 5 पर्चियां देगा, जैसा कि मैंने ये 4 पर्चियां ली हैं। ये पर्चियां हैं 3, 1, 2, 7। हमारा खेल है बड़े से बड़ी संख्या बनाना। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चा देखेगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसे सबसे दाहिने स्थान पर, उससे छोटे अंक को उसके साथ, उससे भी छोटे अंक को उसके साथ और सबसे छोटे अंक को बाएं स्थान पर रखेगा और इसी प्रकार से इन पर्चियों को यहाँ इस विंडो में डालेगा। तो यह सबसे छोटी संख्या इकाई स्थान पर आ जाएगी 1, उससे बड़ी संख्या दहाई वाले स्थान पर आ जाएगी 2, उससे बड़ी संख्या इकाई वाले स्थान सैकड़ा वाले स्थान पर आ जाएगी 3 और सबसे बड़ी संख्या हजार वाले स्थान पर आ जाएगी 7। इस प्रकार से जो टीचर ने 4 पर्चियां दी, बच्चे ने उन 4 अंकों के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या का निर्माण कर दिया। अगले खेल में है छोटे से छोटी संख्या बनाइए। तो इन्हीं 4 पर्चियों को यदि हम बच्चे को देंगे कि इनसे छोटे से छोटी संख्या बनाइए, तो बच्चा सबसे छोटी पर्ची को हजार वाले स्थान पर, उससे बड़ी पर्ची को सैकड़ा वाले स्थान पर, उससे बड़ी पर्ची को दहाई वाले स्थान पर और सबसे बड़ी पर्ची को इकाई वाले स्थान पर डाल देगा और इस प्रकार से टीचर द्वारा दी गई पर्चियों से वह छोटी से छोटी संख्या बना देगा। तो देखा आपने, खेल खेल में पर्चियों की मदद से बच्चे खेल खेल में संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते।